आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे जल्दी जल्दी चलो, लाइट बंद कर देते पूरे घर की। फैज आ गया। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैं आतिफ और फैज़ के साथ प्रैंक कर रही थी। उनको लग रहा है कि मैं सो रही हूँ और मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी हैं। आतिफ फैज़ को लेने रेलवे स्टेशन गए हुए थे एंड उनको अब लग रहा है कि मैं सो रही थी। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू ही उनको पता चलेगा कि मैं उनके साथ प्रैंक कर रही थी। गाइस, बहुत टाइम हो गया, आप चलते हैं, गेट खोल ले। हाय फैज़, हाय, कैसे रहा सफर तुम्हारा? अनु, फैज मामू आ गए। हाँ, इसको प्यार कर लो, बहुत देर से वेट कर रही थी ना तुम्हारा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं, आते भाई आ गए मॉल के लिए। वो मना कर दिया, कह रहा अनाया की तबीयत ठीक हो जाए तो चलेंगे। यहाँ पर अनाया ने अपने फैज मामू के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन करके रखी हुई थी उनका वेलकम करने के लिए, तो जल्दी से केक कट करके उनका वेलकम करते हैं हैदराबाद में। हाँ, तो मैं अनाया के लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आपका बर्थडे है ना, गिफ्ट लाया आपके फैज मामू को, उसके साथ केक कट करेंगे आप। चलिए। तो यार, बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, ट्रेन लेट हो गई। अच्छा, चलिए फैज बैठिए। ठीक है ना, बैठो। पापा बैठो, अनु को लेकर बैठो। मामू, यस, लो। ये कैप लगा लो, वाह इतनी क्यूट लग रही है अनु, माशाल्लाह। वाह, फूक मारिए अनु। चलो ये। वेलकम फैज मामू। ओहो, मम्मी के मैके से पहली बार कोई आया है। ओह माय, मम्मी लो आते, जरा मैं भी जरा कट कर लूं। मम्मा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर से बर्फ उठा के वेलकम एलेक्सा, प्लीज वेलकम फॉर ये गिफ्ट आया। आई हैव ग्रीन गिफ्ट। ओह वाओ, फैज एंड यहाँ पर फैज मामू अनाया के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आए थे जो अनाया को बहुत पसंद है। वो बदायूं जब भी जाती हैं तो फैज उसको बहुत सारी चॉकलेट दिलाता है, तो उसको पता था कि अनाया को कौन कौन सी पसंद है, तो सारी चॉकलेट्स वो जो थे वो लेकर आए हैं। जाओ फैज, जाओ आते, जाओ। चलो अनु, आओ अनु, कम कौन लेकर आया? फैज मामू। एंड गाइस, यहाँ से स्टार्ट हुआ इन दोनों में कंपटीशन, चाहे वो बलून फोड़ने का हो या फिर ड्राइंग का। इतने सारे कंपटीशन किए ना इन लोगों ने, इस वीडियो में सब कुछ शेयर करूंगी।
एक और है वाइट। और इस तरह से मेरी डेकोरेशन जो मैंने करी थी मेहनत से, उसे बर्बाद कर दिया गया है इन दोनों के हाथों। ये देख मैंने अल्फाबेट्स कितने अच्छे लगाए हैं। वेलकम फैज मामू। एल मिल गया, एल भी मिल गया और ए भी। ये काम मिला, ये काम तो चल रहा है ना। को भी तुमने एम बना दिया। नहीं एम ही है वो। मंगलू की बीवी है लेकिन उल्टी बैठी है। अनु Oh wow, nice. Thank you, बोला आपने? Thank you बोला आपने मामू को? अनु पापा, देख पापा की सुरीली आवाज। अनु काम बेटे देखो, तेरा वैसे लग रही है, तुम ही मुझे ऐसे देखो। ये देखो मामा शोर कुछ कुछ दगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं जी। KGF की लो। खींचो मत, अनु खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नाइस, तो तुम ही उन्हें निकाल लो। भैया देखो एंड गाइज, इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम लोगों ने खाना इंजॉय किया। एंड मैंने मंगाई थी हैदराबादी बिरयानी, और मतलब हैदराबाद में आकर सबका मन हैदराबादी बिरयानी खाने का होता, तो सबसे पहले हमने हैदराबादी बिरयानी जो है वो फैज को खिलवा दी थी, उसको टेस्ट करवा दी थी कैसी है। एंड लेग पीस थे और यहाँ का फेमस हलीम, और उसके बाद हम लोग गए वॉक के लिए। आया की तबीयत की वजह से मैं सहरी में नहीं उठ पाई थी, एंड आतिफ ने फैज के लिए सहरी बनाई और देखी उनकी मस्ती। एंड आतिफ अंडे में नमक डालना भूल गए थे। मैंने इसके लिए ये बनाया, ठीक है? क्या मैं चढ़ा कर दे? और ये क्या कह रहा था? मसाला कहाँ है? सही है, थोड़ा सा मसाला कहाँ? बैग लेके जा अपना कलर का, उसमें मैट पर बैठ जाओ, मैट पर बैठो, चलो आओ। एंड यहाँ स्टार्ट होता है ड्राइंग कंपटीशन। एंड फैज को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपनी ड्राइंग पर, जो उन्होंने 10th क्लास में स्टेप बाय स्टेप जो ड्राइंग सीखी थी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारा फन और मस्ती के साथ। कुछ नहीं करती वो। अरे वाह, बस अब ये लो कलर करो। और ये इसे लेंगे थोड़ा सा नीचे से, अगर हम इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पर हम इसे बनाएंगे एडवांस लेवल की, जिसके हम लेंगे पर। क्या बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी ड्राइंग है। मैं बना दूँ फिश, पापा बना दो मैं फिश। तुझे किसने सिखाई है? मैं उसके हाथ काट दूँ। सच, अच्छी बात ये कि अनाया पहचान रही है। पापा, अनु ये क्या है? अनु मामू ने क्या बनाया? ये वो क्या है, वो क्या है मामू ने, वो क्या बनाया? ये नीचे क्या है? ये तो है नीचे। वाह यार, तेरी ड्राइंग सही में अच्छी है, बच्ची पहचान रही है। जी क्या है?
फिश। अनाया के फीडबैक के बाद फैज का जो कॉन्फिडेंट था वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हो गया था। एंड उसके बाद उसने कंपटीशन किया, आतिफ मेरे और फैज के बीच में ये कंपटीशन हुआ कि आपको फेस बनाना है, एक लड़की बनानी है। तो इसके ये बनाया है फैज ने, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ से स्टार्ट होती है। यार ये तो चीटिंग वाले बना रही हो तुम। कौन सा चीटिंग वाला ये तो साइड वाला बना रही है, बच्चे बच्चे बना लेंगे। खाम खाई सामने वाला बनाना है तो फेस बनाओ, उसका फेस से पता लगेगा। ये वाला नहीं बनाऊं आपको, अरे फेंक ले लेंगे बेटा। लो पहले फेस बनाया जाता है ना के वो। एंड इसी के साथ हमारा जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन था वो कम्प्लीट हो गया था। एंड मेरा जो रिजल्ट है वो आप लोग बताएंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो जरा बताइएगा कि किसकी ड्राइंग सबसे ज्यादा अच्छी है, फैज, आतिफ या फिर मेरी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसकी ड्राइंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको। लग तो रहा है अनु को कुछ बना हुआ। ये एम्बुलेंस लग रही है। एम्बुलेंस ही है। अरे वो देखिए जरा नाराज हो गई। शिट अनु नाराज हो गई। कहाँ है साइकिल? प्लीज आते साइकिल दिखाइए। इतनी ड्राइंग चल रही है क्या साइकिल? कैसे बनाया एलिफेंट? कैसे बनाया? क्लैपिंग कर रही हो? तो आप कौन सा अच्छा लग रहा है? इसकी पूछ अनु से पूछो, अगर अनु ने बता दी तो सही है। अनाया बताओ ये क्या है? अनु इसका नाम क्या है? ओ 10 पॉइंट्स। कितने नंबर दोगे? 10। अरे यार अनु फाची। मैं इसे लामे दूं, मार्किंग मैं ही कर दूं।